पानी की समस्या को लेकर लगा रहे हैं गुहार, नहीं सुनने को तैयार कोई पुकार। जिला बांदा के अछरौट गांव में पानी की समस्या को लेकर हर रोज किसी न किसी अधिकारियों से पानी की लगा रखी है पुकार, पर उनकी पुकार को कोई सुनने वाला ही नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में एक पाइपलाइन जो कि बांदा के पास भूरागढ़ से आई है, इसमें से थोड़ी थोड़ी दूर में पाइप लीकेज है, उसके बावजूद पानी तो आता है पर पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। पानी की पूर्ति न होने की वजह से गाँव के सभी तालाब कुएं सूख जाते हैं, जिसके कारण गांव के लोग पास में बह रही नदी का पानी लेकर आते हैं और उसी को पीते हैं, और उस प्रदूषित पानी को पीने के बाद गांव में बीमारी अपना घर बना लेती है और अपनी पानी की अव्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है। गांव के कुछ लोगों ने बहुत से प्रार्थना पत्र सभी अधिकारियों के पास पहुंचाए तथा आज तक किसी अधिकारी ने उस प्रार्थना पत्र पर ध्यान भी नहीं दिया। जी भैया, क्या नाम है आपका? सर राम नारायण शुक्ला नाम है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग ग्राम पंचायत अछरौण से आए। क्या समस्या लेकर के आए? हमारे ग्राम पंचायत में कोरोना की जैसी एक भीषण समस्या है। हमारे ग्राम पंचायत में पेयजल की अव्यवस्था है। पेयजल जो है सप्लाई जल संस्थान भूरागढ़ के माध्यम से हो रही है, जो कि 20-20 दिन तक जो है जल संस्थान से पानी नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण गाँव के तालाब भी सूख गए हैं, कुएँ सूख गए हैं, तालाबों में पानी नहीं है, नदी से लोग पानी ला रहे हैं और प्यास के कारण जानवर मर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में एक जो है पेयजल हेतु नया नलकूप लगवाया जाए और पेयजल की सप्लाई चालू करवाई जाए। जब तक नलकूप नहीं लगता तब तक जो है जल संस्थान भूरागढ़ द्वारा पानी जो है प्रतिदिन दिया जाए, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। कितने लोग जल समस्या से परेशान हैं? सर जल समस्या से ये जब से स्वतंत्र देश हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय जल संस्थान के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत की 20 से 22 किलोमीटर दूरी है, और जो है जल संस्थान के माध्यम से एक पाइपलाइन डाली गई थी जो कि जो है जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जगह जगह टूट जाती है, जिसके कारण हमारे ग्राम पंचायत में पेयजल की सुविधा नहीं हो पा रही है। और हम लोगों ने माह जनवरी में जो भी तहसील दिवस लगे, जनवरी फरवरी, अभी इसके पूर्व में मैंने 4-5-2020 को इसके पूर्व में अवगत कराया था, शासन प्रशासन तक मैंने अवगत कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने फैक्स किया है और रजिस्ट्री भी की है, मंडलायुक्त महोदय और जो है अधिशासी अभियंता जो जल संस्थान भूरागढ़ हैं उनको भी हम इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए इन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रह रहा कि हमारे ग्राम पंचायत में पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए।